गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। हाँ जी, आज मैं इम्फाल से बर्मा बॉर्डर की तरफ जा रहा हूँ, मुरे। शायद आप में से बहुत से लोगों ने मुरे के बारे में सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो मुरे एक बॉर्डर टाउन है बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। नहीं, पोलो ग्राउंड। हाँ, पोलो ग्राउंड। हाँ, पोलो ग्राउंड में वही गाड़ी मिलेगा। ठीक है, थैंक यू दादा। हाँ, तो मैं मुरे के बारे में बात कर रहा था, और वहाँ से आप एक दिन के लिए म्यांमार में जा सकते हो बिना वीज़ा के। लेकिन अभी कोरोना और जो रिसेंटली म्यांमार के अंदर मिलिट्री कू हुआ है, उसके कारण ये जो सारी की सारी सर्विसेज हैं ये होल्ड पर रख दी है। थोबुल मेन रोड में, वहाँ से टैक्सी मिलेगा या बस मिलेगा? ऐसे ही मैजिक विंगर रहता है। ऐसे ही मैजिक विंगर। अच्छा, मैजिक। अभी मैं पहले सिटी से बाहर निकल रहा हूँ, यहाँ से खोंगमान। खोंगमान थोड़ा इम्फाल के आउटस्कर्ट में पड़ता है। कितना हुआ? 20। मेन रोड किधर होगा उधर? मुरे जाने के लिए, मुरे उधर जाएगा। मेन रोड का। अच्छा, उधर है ना? उधर। चलो ठीक है, थैंक यू। मुरे सर तो बोल दिया, मुरे सर गया ना? नहीं नहीं नहीं, थैंक यू। कहाँ से, कहाँ चल गया? मुंबई। मुंबई चल गया आज का। ओके, बाय बाय। यार, नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं ना, बड़े प्यारे लोग हैं, कुछ ज़्यादा ही प्यारे लोग हैं। लेकिन जो प्यार हमें नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, वो प्यार हम नॉर्थ ईस्ट के लोगों को नहीं दे पाते हैं। हाँ, पहले से चीज़ें ठीक हो रही हैं, तो मेरी आप सभी लोगों से यही दरख्वास्त है कि जो हमारे बीच में छोटे मोटे मन मुटाव हैं, उनको भुला के अगर हम आगे प्यार का पैगाम दे पाएँ तो बहुत अच्छी बात होगी। हाँ, थोड़ी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, लेकिन यार बहुत ज़रूरी है ये आज के टाइम में। अभी जिस अंकल के साथ मारा था, बाय बाय अंकल, थैंक यू। मैंने जैसी जेब में हाथ मारा, मुझे मोबाइल नहीं मिला, और फिर मैं वापस से उस जगह पर चला गया जहाँ पर अंकल ने मुझे छोड़ा था। अंकल निकल चुके थे वहाँ से, लेकिन जब उनको ऑटो में मोबाइल दिखा, अंकल मुझे वापस मोबाइल देने आए यार, और अभी वो मुझे मेन रोड पर छोड़ के वापस चले गए। मैं 2 मिनट पहले ही यहाँ के लोगों के बारे में बातें कर रहा था, 5 मिनट के लिए तो मैं भाई अब क्या करूँगा, मोबाइल गुम हो गया। पर साला जो मोबाइल है वो भी सस्ता नहीं था, कि अगर मान लो गुम भी हो जाए तो इतना दुख ना हो। लेकिन कोई नहीं, 5-10 मिनट मोबाइल हाथों से दूर तो रहा, लेकिन सुबह सुबह आपके साथ अगर ऐसी चीज़ें हो जाती है ना, तो आपका दिन नहीं पूरा महीना बन जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस टाइप के प्यारे प्यारे एक्सपीरियंस देने के लिए। एक्सक्यूज मी, मुरे? या आई एम गोइंग टू द मुरे। दिस इज द रोड। ओके, थैंक यू। हाउ यू से थैंक यू इन मणिपुरी? थकचेरी। या थकचेरी। बाय बाय। बाकी मणिपुरी में थैंक यू को बोलते हैं थकचेरी। देखो, नॉर्थ ईस्ट में कई जगह तो ऐसा है कि हर गांव की अपना एक डायलेक्ट है, अपनी एक लैंग्वेज है, लेकिन मणिपुर में ये थोड़ा स्पेशल हो जाता है। अब जैसे मिज़ोरम के जो लोग हैं वो रोमन लेटर्स यूज़ करते हैं लिखने के लिए, नागालैंड में भी सेम है, और जब आप अरुणाचल में भी जाते हो, जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो तिब्बतन यूज़ करते हैं, और जो बाकी लोग हैं वो इंग्लिश लेटर यूज़ करते हैं अपनी लैंग्वेज लिखने के लिए। लेकिन मणिपुर में ये सीन नहीं है। मणिपुरी के लिए इनके पास स्पेशल स्क्रिप्ट है, मैतेई। शायद मणिपुर इकलौती एक ऐसे स्टेट है नॉर्थ ईस्ट के अंदर जिसके पास खुद की स्क्रिप्ट है, और वो स्क्रिप्ट भी एकदम यूनिक है। कितना बता था? मैं पहुंच गया अभी पलेल में, और यहाँ से जो आगे का रास्ता है ना, वो पूरा हिल्स में है।
मतलब प्लेन रास्ता ख़त्म, आगे से पहाड़ियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। आगे खाना मिले ना मिले, और सुबह मॉर्निंग में मैंने उतना कुछ हैवी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, तो सोच रहा हूँ कि खाना मैं यहीं पे खा लूँ। I'm good bro. What's your name? Yeah, Mr. John. Salu. Salu? Yeah. Nice. So, we don't come alone? Yeah. So, like, what's your planning to go? I'm going to Murre. Murre? Oh, Murre is a nice place, bro. It's a nice place? Yeah. Thanks a lot, brother. Go. Oh. Come on, you can eat burger also, anything else, right? You know? Yeah. You can take. Do you have thali? We don't have thali. We have the biryani and we have the burger also. That is the local chicken burger. The border is open? The border is open. Murre. Murre, yeah. So we can go to Myanmar for one day? No. No? I don't think so. Is it closed now? Closed, completely closed. Because of the coup? The military coup in Myanmar? Yeah. No, because of the COVID. So, bhai, mera khana peena ho gaya. Aur is shop ke jo owner hai, अपने अली भाई, ये मुंबई में पहले रह चुके हैं जी। कहाँ रह रहे थे अली भाई यार? मैं मुंबई में गोरेगांव ओवरी मॉल में भी मैं रहा करता हूँ, वो पास में गोरेगांव और मलाड पे भी और अंधेरे में। ओके अली भाई, ओके बाय बाय, टेक केयर। ओके, और यहाँ से मुझे अपनी हिच हाइकिंग स्टार्ट करनी है। अभी जहाँ पर मैं बर्गर वर्गर खा रहा था ना, वहाँ पर मुझे एक लेडी मिली थी, वो कुकी कम्युनिटी से थी, जो मणिपुर में एक और कम्युनिटी है, लेकिन आई थिंक वो माइनॉरिटी में आती है। तो मेजॉरिटी हो गई मैतेई, जिन्हें मणिपुरी लोग बोलते हैं। जो मैतेई लोग हैं मोस्टली वो हिंदुज़म फॉलो करते हैं, कुछ लोग आपको क्रिश्चियनिटी भी फॉलो करते हुए मिल जाएंगे, और कुछ लोग आपको इस्लाम भी फॉलो करते हुए मिल जाएंगे, लेकिन मोस्टली वो हिंदुज़म को फॉलो करते हैं। और जो मैतेई कम्युनिटी का हिंदुज़म है ना, वो बाकी इंडिया के हिंदुज़म से थोड़ा अलग है, और उसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जब मैं वापस इम्फाल में आऊंगा। मैथी कम्युनिटी के हिंदुज़म में और जो रेस्ट ऑफ इंडिया का हिंदुज़म है उसमें क्या क्या डिफरेंस है। सामने से पहाड़ियाँ स्टार्ट हो रही हैं। मुरे मुरे मुरे, थैंक यू। Excuse me, you're going toward Murre? We're not reaching there, we'll be stopping at Tegloppa. Can you drop me? Yeah, sir. I have... What's your name, brother? My name is Kotiel. Dipanshu. Hey, Dipanshu. Yeah. Hey, nice to meet you, man. Nice to meet you too. And you? Where are you from? Basically from Haryana, but I live in Mumbai. Which place in Haryana? Dadri. You been to Haryana? Oh, nice. मुझे लिफ्ट मिल गई है और यहाँ के। No, thanks a lot, brother. You don't drink? I drink, but it becomes more fun to film after drinking. You know, you get certain angles. Take one, man. Take one. No, thanks a lot, brother. Oh, please stop, man. I'm in a very. You can call me Don. Don. Better remember. Because my first name is Kotel Don, nah. So like, my friends from North Indian, you know, they used to call me Don. So is there any similarity between Maiti and your language? Yeah, almost like, because we all come from the Indo-Tibetan flock, nah. So oh, the language. Oh yes. So your language is from like Sino-Tibetan. Yeah, Indo-Tibetan. Not Sino-Tibetan, Indo-Tibetan. It's Indo-Tibetan. Yeah. Okay. And then after that, kicked out of the school. That's a nice place. Yeah, हमारे कोको भाई. Hey man. Yeah. Safe journey, man. थैंक्स अ लॉट भाई। होपफुली यू गेट। तो भाई और हमारा सफर यहीं तक था, भाई और अब वापस चले जाएंगे और मुझे आगे मुरे की तरफ जाना है। सो वेयर आर वी करंटली? टेक्नोपल। टेक्नोपल एक बहुत अच्छा सा कैफे था भाई, और यहीं तक आ रहे थे। मस्त लोग थे यार ये सागा और कोको भाई।
अभी जिस रास्ते पर हूँ मैं, ये अभी न्यूली कंस्ट्रक्टेड रोड है और इट्स एन इंटरनेशनल हाईवे जिसके थ्रू हम थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस के साथ कनेक्ट होंगे। तो इसे आप एक इंटरनेशनल हाईवे बोल सकते हो। मैं आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं बता सकता, लेकिन एक चीज़ जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, आपको एक बार नॉर्थ ईस्ट ज़रूर ट्रैवल करना चाहिए। और नॉर्थ ईस्ट में ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर चले गए, ना, जब आप डीप नॉर्थ ईस्ट के अंदर जाओगे ना, तब आपको इंडिया की असली ब्यूटी और ट्रैवलिंग की जो असली ब्यूटी है उसके बारे में पता चलेगा। लोग खुश हो गए यार। मोरे 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 ओके थैंक यू बाय बाय। भाई नॉर्थ ईस्ट इज लव। मोरे मोरे आप भी आ रहे हो ना, आ जाओ आप भी आ जाइए। थैंक यू दादा। आपका नाम क्या दादा? लवकी लवकी लवकी। और आपका? टोम्बा टोम्बा। थैंक यू गाइस। मुझे फाइनली मोरे के लिए लिफ्ट मिल गई है। कितना दूर है मोरे यहाँ से? ये भी 30 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर, एक घंटा। कब तक बनेगा ये? अरे तब इधर भी पता नहीं है, इसे खत्म होने से कब इधर आसान हो गया पता नहीं है। अभी लोहा डाला है ये पीछे में। तो बड़ा पहाड़ बर्मा में मोरे अच्छा पहुंच गए मोरे। मोरे स्थिति है ना, 5 बजे हैं और मैं मोरे पहुंच गया हूँ। बर्मा आ गई है ना? हाँ बर्मा आ गया। ओके दादा ठीक है ठीक ठीक बाय 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 बाय। मोरे द लास्ट टाउन ऑफ इंडिया। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद जो सबसे पहली टाउन है उसका नाम है तामू, और तामू एकदम वैली में। और यहाँ पर आकर जो इंडिया के पहाड़ हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। मुझे यहाँ पे मणिपुरी चेहरे कम दिख रहे हैं और नॉर्थ इंडियन चेहरे ज़्यादा दिख रहे हैं। होटल है? रूम? टीवी नहीं चाहिए मेरे को। ये एक ऐसा सही रूम मिला है मुझे 600 रुपये में, और अब मैं जा रहा हूँ बाहर खाना खाने। ये कंबल में ओढ़ने वाला नहीं हूँ, अब की बार मैंने एक गलती कर दी, मैं चादर नहीं ले गया। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। बस उम्मीद है कि इसमें है ना वो खटमल ना हो। खटमल बोले तो बैड बग्स, अगर वो बग्स मिल गए ना भाई वो काटने लग जाते हैं बुरी तरीके से और स्किन में इरीटेशन हो जाती है। दादा खाना मिलेगा ना? क्या नाम आपका? मेरा नाम अंगो। तो वही अपनी मणिपुरी थाली
जिसके अंदर चिकन होगा और बाकी चावल के इर्द गिर्द। दादा बॉर्डर खुला है क्या अभी? नहीं खुला अभी, 20 तारीख तक मार्च में खुलेगा। मार्च में खुलेगा, अभी मार्च नहीं हो, मीटिंग कर रहा है ना। बोल लाई पत्ता। अच्छा लाई पत्ता कंग सोए। अच्छा दाल नहीं है? दाल थैंक यू, गुड नाइट। हाँ जी सर। यार अजीब बात है, अभी तक यहाँ का जो मार्केट है वो ढंग से बंद नहीं हुआ है, और वहीं इम्फाल के अंदर इस टाइम तक लगभग मार्केट बंद हो जाते थे। चलो ठीक है दादा, फिर मिलते हैं सुबह। वापस रूम में आ गया हूँ और अभी बस कपड़े बदल के मुझे थोड़ी बहुत वीडियो एडिट करनी है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं जो मोरे टाउन है उसको घूमने वाला हूँ। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते, दे माई इंस्टाग्राम आईडी, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो बस मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए, क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है ना वो कुछ ज़्यादा ही नेगेटिविटी से भर चुका है। तो हो सके तो इस नेगेटिविटी को थोड़ा कम कर दीजिए आप। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज़।